तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ एंड इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में। दिखाते हैं देहरादून पहुँच के हमने क्या किया, किससे मिले, ये सब चीजें आपको मिलेंगी दूसरे पार्ट में देखने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैवल टू एक्सप्लोर। अब जो आपने लास्ट एपिसोड देखा हो उसमें आपने देखा होगा कि मैं देहरादून तो एंटर हो गया था, बट देहरादून एंटर होने के बाद बहुत बड़ा स्यापा हो गया था। एक्चुअली भैया से मिलना था मुझे, जो लोग पहले से जानते हैं मुझे, जो ट्रिप कर चुके हैं देहरादून के मेरे साथ पहले, तो लोग जानते हैं, चंचल भैया से मिलना था मेरे को। तो उनसे मिलने के लिए जैसे ही पहुँचा तो उसी समय जो है गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई थी, और ब्रेक डाउन भी ऐसी कि मतलब पूछो मत, मतलब बड़ा वाला ब्रेक डाउन हो गया था। हाँ अभी चल रहा है काम, अभी चल रहा है काम हो गया, अब बस अब लेकर अभी जस्ट आई हैं, अब उसको गाड़ी में लगाने वाला काम रह गया है। तो एंट्री हमारी ऐसी हुई थी कि ऑल ऑफ अ सडन गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, अब ब्रेक डाउन भी ऐसी हुई कि मतलब पूछो मत, खड़ी ही हो गई थी, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। अब वो क्या हुआ था वो इस वीडियो में आपको देखे पता चल जाएगा, बाकी उसके बाद जो है मैं बताता हूँ आपको, पहले ये वीडियो देख लो आप। द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, और अभी इतने साल ट्रैवलिंग को हो गए, इस गाड़ी को 7 साल 8 साल हो गए, बट आज तक ये दिक्कत नहीं हुई, बट आज पहली बार ये दिक्कत हुई है। अब एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे ही मैं इस मोड़ से मुड़ा हूँ ना अंदर की तरफ, ये जो है यहाँ पे इसका पाइप जो है ये वाला, ये टूट गया, और इसकी वजह से रेडिएटर से जो है सारा पानी निकल के नीचे गिर गया। एंड देन अगर आप देखो तो इसकी प्लेसमेंट जो होती है वो हिल गई है, एक्चुअली ये थोड़ा पीछे होना चाहिए, अब ये और ये टच हो गया है, तो इसका बोल रहे हैं कि कुछ माउंटिंग वाउंटिंग जो है पीछे वाला टूट गया, आगे आ गया, कुछ हो गया है। अब उसमें जो भी खर्चा है, बट यार ये सब चीज़ें ना ट्रिप पे होनी नहीं चाहिए, बट आई डोंट नो क्या हुआ है एग्जैक्टली। जब एक इंजीनियर को बुलाया है जो कार मैकेनिक है, वो देखेगा तो बताएगा कि क्या हो सकता है, इसका क्या खर्चा है, कितना टाइम लगेगा इसको ठीक होने में, क्योंकि अगर ये जल्दी हो जाएगा देन इट्स वेल एंड गुड, अगर ये जल्दी नहीं होता है तो हमारा आज का दिन जो है वो ख़राब हो जाएगा, इट्स रियली बैड। अब एक्चुअली जो भी हुआ था वो ये हुआ था कि गाड़ी को इस कंडीशन में लेकर आ गई थी, अब गाड़ी का ये खुला, फिर घर का ये खुला, फिर गाड़ी का ये ही गायब हो गया। तो एक्चुअली हुआ ये था कि तरह से दिखाता हूँ, ये थे इसके 3 बोल्ट्स, 1 2 3। अब ये जो बोल्ट्स हैं ना ये टाइट से कसते हैं और ये ना बिल्कुल गाड़ी की बॉडी में जाकर टकता है, बट हुआ क्या था ये वाली जो पार्ट है, ये वाली बॉडी जो है इसकी, मतलब ये नट या तो बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया था या तो लूज छोड़ दिया, जिसकी वजह से जो है ये धीरे धीरे ढीला होता गया, ये टूट गया, ये खुला, फिर ये खुला, और ये पूरा जो है एज इट इज़ नीचे आ गया था। अब जब नीचे आ गया तो गाड़ी आगे चल ही नहीं सकती थी, और तो शुक्र है कि जब ये हुआ तब ये मेरे साथ थे, ये साथ थे तो इन्होंने मेरा काम करवा दिया। अब ये वर्कशॉप है, ये जानते थे तो वो लेकर आए, फिर गाड़ी टो हुई, टो होने के बाद यहाँ तक आई। अब यहाँ पे जब आई थी तो उन्होंने बोला कि पूरा दिन लगेगा और कल संडे है तो कल काम होगा नहीं, तो अब ये गाड़ी आपको मंडे को मिलेगी। एंड देन यू नो कि ट्रिप हमारा ऑलमोस्ट वीकेंड का ही होता है, वीकेंड से बस ज़्यादा आगे जाता नहीं है, सैटरडे संडे मंडे जात सेट। बट अब हो गया था कि स्यापा की गाड़ी आज ही करवानी है, तब लगा लो कि जब से आए हैं तब से इस गाड़ी में ही लगे हुए हैं। अब एक्चुअली सारा खोल दिया है, अब वो जो है उसमें सेटअप किया है कि दोबारा से वेल्ड किया, उसको वेल्ड करा, सेट करा, फिर फिक्स करा, दोबारा से खोल बनाया, वो किया है, तो वो काम परमानेंट हो गया है। बट स्टिल इन केस उन्होंने बोला है कि अगर आगे चल के ये दिक्कत आई तो मे बी आपको वो पार्ट चेंज कराना पड़ेगा, विच वुड कॉस्ट अ लॉट। अब एक छोटी सी गलती, अब मैं कहूँगा नहीं कि शायद उसी वजह से हुआ, बट हाँ ये लोग तो यही कह रहे हैं कि या तो उसको बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया था, जिसकी वजह से, क्योंकि अल्मोनियम का होता है तो टाइट होने की वजह से वो फट गया, एंड देन धीरे धीरे वो उस लोड को बेयर नहीं कर पाया और वो गिर गया। तो एक छोटी सी गलती और इतना बड़ा मतलब मुझे पे करना पड़ रहा है ना उसके लिए, कि टाइम सबसे बड़ी जो कीमत होती ना अच्छी वो टाइम की होती है, मेरे पास टाइम ही था यार सैटरडे संडे घूम के वापस जाने का। अब सैटरडे मेरा पूरा आज का दिन ऐसे ही निकल गया, मैं कल भी नहीं सोया था, रात में ड्राइव शिफ्ट देन ड्राइव, यहाँ पे आया सुबह से इस गाड़ी में लगा हुआ हूँ,
अब शाम हो गई है ऑलमोस्ट, कितना 5-6 बज गया होगा ना, 6:28 6:30 हो गए ऑलमोस्ट, 6:28 ना 6:30 हो गए। अब कुछ किया नहीं तो मतलब लगा लो कि यार अब अभी भी इसको टाइट करने में ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा तो लगेगा ही लगेगा, मिनिमम 1 घंटा, 1 घंटा बोल रहे हैं, 1 घंटा मिनिमम लगेगा। अब 1 घंटे में ये जाके सेट होगा, 7:30-8 बज जाएंगे, घर जाएंगे, सो जाएंगे, मतलब मेरे पास दिन ही बचा है एक दिन। अब उस एक दिन में क्या घूमोगे और क्या करोगे, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या होगा। बट ये सब आपका लास्ट टाइम अगर चेंज करना पड़ेगा कुछ 8,000 कॉस्ट आएगी है ना, 6-8 हज़ार रुपये का पूरा कॉस्ट आएगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। इस ट्रिप में मतलब शुरुआत अच्छी हुई थी बट हाँ यहाँ पे आने के बाद ये ख़राब हुआ। अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल यहाँ पे आगे ख़राब हुआ, जहाँ पे मैकेनिक अवेलेबल था, जहाँ पे जान पहचान थी। अगर जान पहचान नहीं होती तो पता नहीं सुबह मैं कहाँ जा रहा होता इस गाड़ी को लेके और कैसे करवाता, आई डोंट नो। क्योंकि संडे को उत्तराखंड, पूरा उत्तराखंड में लॉकडाउन, तो पर्यटन की वजह से मसूरी ओपन है एंड हरिद्वार ओपन है एंड ऋषिकेश ओपन है, बट पूरा देहरादून होल मार्केट इज क्लोज्ड, तो मार्केट क्लोज्ड है। तो भैया संडे कुछ होता नहीं, आज मैं कुछ करवा पाता नहीं, तो अब देखते हैं, अब फटाफट से ये काम करवाते हैं, फिर आज यही सब होगा। अब ये गाड़ी अगर आज तैयार होगी तो कल कहीं प्लान करेंगे जाने का। टिल द टाइम इसको फटाफट से रैपअप करवाते हैं, इसको सेटअप करवाते हैं और फिर घर के लिए निकलते हैं और उनके घर ही जाएंगे। अब मोस्टली आज इनके घर पर स्टे होगा, खाना पीना खाएंगे और फिर सो जाएंगे, कितनी हिम्मत है, देखते हैं। बाकी अभी ये वाले भैया थे सुबह से लगे हुए थे, इसको पूरा खोला इन्होंने ही है अकेले। अब इसको सेटअप भी करेंगे दोबारा से, तो इन्हीं का काम है, इसको दोबारा लगाएंगे, पूरा सेटअप वेटअप करेंगे, बहुत मुश्किल है यार। अब मेरी गाड़ी के काम की वजह से ये वाला जो इंजन है, अब ये वाला इंजन सुबह से ही इसका काम चल रहा था। अब ये वाला जो इंजन है वो एक्चुअली उधर खड़ी है बुलेरो, उसका इंजन है, उसका इंजन ये पूरा सेटअप हो रहा था, ये रोक के मेरा काम हो रहा है सुबह से। क्योंकि मेरी गाड़ी तैयार होगी फिर ये यहाँ से वहाँ जाएगा, ऊपर चेन है उस पर टंगेगा, तब बुलेरो में जाके लगेगा, तो मेरी गाड़ी की वजह से ये भी नहीं हो पा रहा है, तो ये करवाना ज़रूरी है, तो उसको पहले होना चाहिए। ये जो है यही है, अभी ये लगेगा, ऊपर चढ़ेगा, यहाँ तक आएगा, फिर सेटअप होगा। वो गंदी बहुत ज़्यादा थी ना, कर दूं अंकल स्टार्ट। करूं फाइनली ये स्टार्ट हो गई इतनी मुश्किल के बाद, रात में ऑलमोस्ट 9:30 बज गए, जो भी चीज़ें थी वो सॉर्ट आउट हो गई, स्टार्ट हो गया है। अब एक टेस्ट ड्राइव लेंगे फाइनल और बस। सो ठीक है, स्टार्ट हो गई है, ये कैन सी, तो एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं उसके बाद देखते हैं। तो ये सब जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था बट हो गया, बट ठीक है यार, टेक इट एज ए गुड वे, मतलब मे भी कुछ बड़ा टल गया और छोटे में निपट गया वाली बात है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करता हूँ एंड, मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। टिल द टाइम स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय। तो आज ये नहीं होते तो मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती भाई, आज नहीं होती, कल भी नहीं होती, परसों जाके होती, क्योंकि कल है लॉकडाउन तो कल नहीं होती, तो फिर परसों जाके टकती, तो इन्होंने करवा दिया मेरा काम।